वर्क एनर्जी पार, देखो वर्क एनर्जी पार के अंदर तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, वर्क दिख रहा है, एनर्जी, और फिर एनर्जी अपॉन टाइम इज पार। तो आज हम काम करेंगे बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी लेवल से काम करेंगे। आज का लेक्चर प्योरली एनसीईआरटी है, जिसके अंदर स्टार्ट करेंगे वर्क के साथ। वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी मूव थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई सिंपल सी बात है, आपने फोर्स लगाई, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, आपने कहा वर्क डन हो गया, बात खत्म। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्स इज अ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है, क्योंकि एफ इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, पर वर्क डन इज अ स्केलर। तो या तो डॉट आएगा या क्रॉस आएगा, यहां पर क्या आएगा, डॉट आएगा, क्योंकि वर्क डन इज अ स्केलर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन गया, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और इसे अगर ओपन करेंगे तो एफ इंटू एस इंटू एंगल बिटवीन एफ एंड एस इज थीटा। तो जैसे अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट जा रही है, एफ भी इस तरफ एस भी इस तरफ, तो एफ और एस में एंगल कितना, जीरो। तो आंसर क्या आएगा, एफ एस कॉस जीरो। पर ऐसा भी तो हो सकता है, फोर्स ये रही, डिस्प्लेसमेंट ये रही, तो इसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना, थीटा। तो वर्क डन का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर है, और एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो 10 इंटू 5 इंटू कॉस ऑफ 60 आपका अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेचर ऑफ वर्क डन, तीन किस्म के वर्क डन है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, पॉजिटिव वर्क डन तब होगा इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हैज अ कॉम्पोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव। तो मान लो आपकी फोर्स कहां पर है, राइट है, डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स की तरफ है, इन शॉर्ट एंगल बिटवीन एफ एंड एस थीटा इज लेस देन 90। तो अगर एंगल लेस देन 90 है तो पहला क्वाड्रेंट है, पहले क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉस थीटा पॉजिटिव का मतलब है वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इसमें, पॉजिटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो वर्क डन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होगी। तो ये कह रहे हैं कि अगर ये फोर्स है और फोर्स का कॉम्पोनेंट अगर एस के ऊपर है, अगर ये फोर्स वेक्टर है और इसका कॉम्पोनेंट एस वेक्टर के ऊपर है, तो इसका कॉम्पोनेंट एस वेक्टर के अलॉन्ग है, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। पर मैंने आपको इस तरीके से सिखाया, एफ और एस में अगर एंगल थीटा लेस देन 90 है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन ऐसा, इसका एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी तो वर्क डन पॉजिटिव है। कैसे, ग्रेविटी में बॉडी कहाँ गिर रही है, नीचे। ग्रेविटी वर्क डन भी फोर्स कहाँ लगा रही है, नीचे। एंगल बिटवीन नीचे एंड नीचे इज जीरो, क्योंकि फोर्स भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है। तो कॉस जीरो वन, तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव। उसी तरीके से व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बोथ स्ट्रेचिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, वर्क डन इज पॉजिटिव। तो एक स्प्रिंग है, आपने उसे खींचा, फोर्स कहाँ अप्लाई किया, मान लो इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो गई, इस तरफ, एंगल दोनों में क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। नॉर्मली हमने वर्क डन पॉजिटिव ही देखे हैं वैसे तो, पर अब हम देखेंगे वर्क डन नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन कब होगा, कि अगर आपकी डिस्प्लेसमेंट तो राइट है पर फोर्स आपकी लेफ्ट है ना, फोर्स इस तरफ है, ताकि फोर्स का एक कॉम्पोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो जाए। इन शॉर्ट एफ और एस में एंगल ग्रेटर देन क्या हो जाए, 90। और अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो कॉस ऑफ एंगल ग्रेटर देन 90 आंसर नेगेटिव देगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है। मान लो 90 से ऊपर एंगल 120 है, तो 120 सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो कॉस ऑफ 120 नेगेटिव में होता है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो एक सिंपल लाइन में समझाता हूँ, कि जो भी अपोजिंग फोर्सेज हैं, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, या कोई भी फोर्स जो बॉडी की स्पीड को स्लो करती है, अपोजिंग फोर्सेज का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है। क्यों, मान लो आपका बॉक्स इस तरफ जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट राइट है, और फ्रिक्शन कहाँ पर है, लेफ्ट है, तो फ्रिक्शन में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल क्या बनेगा, 180। कॉस 180 क्या है, नेगेटिव, -1, तो आंसर नेगेटिव है। तो जितने भी अपोजिशन के वर्क डन हैं, या उन फोर्सेस की वजह से वर्क डन है जो आपकी स्पीड को रोकती हैं, स्लो डाउन करती हैं, रिटार्ड करती हैं, तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। क्लियर है यहाँ तक। तो व्हेन अ बॉडी स्लाइड्स अगेंस्ट अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस डिस्प्लेसमेंट इज ऑपोजिट टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो वर्क डन इज नेगेटिव। इन शॉर्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल
तो व्हीकल मूव कर रहा है, ब्रेक्स अप्लाई कर रहे हैं। अब ब्रेक्स का सिस्टम क्या होता है, ब्रेक्स भी क्या अप्लाई करती हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ब्रेक्स भी फ्रिक्शन अप्लाई कर रही हैं, तो वर्क डन क्या होगा इस केस में भी नेगेटिव। क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक? जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन कब होता है? फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मान लो कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है, सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। तो एफ ऑफ सी सेंट्रीपिटल टूवर्ड सेंटर, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी? पर टेंजेंशियल, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंशियल होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है। तो एंगल इनके बीच में क्या होगा? 90। तो वर्क डन क्या होगा? एफ एस कॉस 90 यानी जीरो। तो जैसे ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल टूवर्ड सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ है, तो एंगल फिर से 90, आंसर जीरो। इन शॉर्ट आपको क्वेश्चन आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क डन करती है, आंसर इज जीरो। ठीक है, यहां तक? सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क डन नहीं करेगी। फिर से, स्केलर है मैंने बोला, डॉट प्रोडक्ट है। ठीक, तो अगर कोई बॉडी सेमी सर्कल में कवर कर रही है, सेमी सर्कल में जा रही है, सेमी सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो अब भी इसके पास क्या होगी? सेंट्रीपिटल, और डिस्प्लेसमेंट अभी भी टेंजेंशियल है, डी एस वेक्टर या एस वेक्टर, एंगल अभी भी इनके बीच में कितना है? 90। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा वर्क डन क्या करेगी? जीरो। क्लियर है यहां तक? जैसे फॉर एग्जांपल आपको हो सकता है ये गिवन हो, ठीक, आपको सपोज ये गिवन है कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम नीचे मूव कर रहा था, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में टेंशन एक्ट करेगी कहां? सेंटर की तरफ। टेंशन फोर्स कहां एक्ट कर रही है? टुवर्ड सेंटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? टेंजेंशियल। तो टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल फिर से क्या बनेगा यहां पर? 90। तो ऐसे केस में भी हम क्या बोलेंगे? ऐसे केस में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी इसमें? जीरो। क्यों? क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कुलर मोशन। तो टेंशन क्योंकि टुवर्ड सेंटर है, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, तो ऑब्वियसली एंगल 90 होगा, वर्क डन जीरो। तो वर्क डन जीरो कब होता है? जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो वर्क डन करेगी वो हमेशा जीरो वर्क डन करेगी। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, एक और एग्जांपल है, एक कुली का एग्जांपल है। कुली अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पूरा दिन काम नहीं करता, तो जितना मर्जी बोझ उठा के घूम ले। क्यों? क्योंकि बोझ उठाने के लिए वो बोझ कहाँ रखेगा? अपने सर पे। फोर्स कहाँ लगाएगा? ऊपर उठा के रखेगा। और वो उस बॉक्स को या सामान को कहाँ लेके जाएगा? हॉरिजॉन्टल। अब वो जा हॉरिजॉन्टल रहा है, चल हॉरिजॉन्टल रहा है, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल है, फोर्स कहाँ लगा रहा है? वो ऊपर। तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स क्या हो गया? 90। तो वर्क डन क्या हो गया? जीरो। अब पॉइंट ये है इसमें, ठीक है, पॉइंट ये है कि वर्क डन की वैल्यू जीरो है, लेकिन जब वो सामान को नीचे उतारेगा या ऊपर उठाएगा, हाँ, फिर जीरो नहीं है, क्योंकि फोर्स ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, आंसर जीरो नहीं होगा। सामान नीचे उतार रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, नहीं, जीरो नहीं होगा। जीरो तब होगा जब सामान सिर पे उठाए हुआ है, फोर्स वो वर्टिकल में लगा रहा है, मूवमेंट उसकी हॉरिजॉन्टल में हो रही है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90। इस वजह से इसका वर्क डन क्या माना जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके? पॉजिटिव वर्क डन के, नेगेटिव वर्क डन के और जीरो वर्क डन के। इसके बाद रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में वर्क डन कैसे निकलता है? ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सिंपल। रेक्टेंगुलर इसलिए क्योंकि सारे कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे आपको ये एफ वेक्टर फॉर्म में गिवन है, एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप और के कैप, ऐसी आपको एस वेक्टर भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है। अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में गिवन है और आपको कोई पूछे कि वर्क डन निकाल लो, तो आप क्या करोगे? एफ वेक्टर को एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लोगे। थ्योरी पढ़ के कोई फायदा होगा नहीं, सीधा एग्जांपल देखते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आएगा, पहला टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, आपको एफ की वैल्यू देगा 10 न्यूटन, आपको एस की वैल्यू देगा 5 मीटर, एंगल देगा एफ और एस में 60 डिग्री, तो आप आंसर लगाएंगे, क्वेश्चन क्या करेंगे? एफ एस कॉस थीटा, आंसर। लेकिन कभी कभी क्या करेगा, आपको एफ वेक्टर में देगा, आपको एस वेक्टर में देगा और वर्क डन पूछेगा, तो प्लीज एफ एस कॉस थीटा मत लगाना,
सीधा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लगा देना, क्योंकि वर्क डन क्या होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ वेक्टर की जगह पूरी वैल्यू डॉट एस वेक्टर की जगह पूरी वैल्यू, तो आप सिंपली वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगा देना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा 12 जूल। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यानी कि वर्क डन निकालने के दो तरीके, या तो एफ एस कॉस थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म है तो फिर वेक्टर फॉर्म में हम वर्क डन की वैल्यू को निकाल लेंगे। क्लियर है यहां तक? दोनों मेथड्स क्लियर है? क्यों लगाया? वर्क डन क्या होता है? एफ इंटू एस, एफ इज अ वेक्टर, एस इज अ वेक्टर, वर्क डन इज अ स्केलर, तो स्केलर प्रोडक्ट नहीं आएगा, वर्क डन की डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्शन नहीं होती, ये तो टीचर बताएगा ना, मैं खुद की नहीं होती। मैंने काम किया, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ काम करके आया हूँ, नहीं नहीं नहीं, साउथ की तरफ काम करके आया हूँ, नहीं नहीं, वर्क डन जूल में होता है और वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है, एनर्जी मेरी बॉडी में स्टोर्ड है, नॉर्थ की तरफ नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं होती, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क डन की भी कोई डायरेक्शन नहीं है, ये मैं ही बताऊंगा कि कौन सी क्वांटिटी वेक्टर, कौन सी स्केलर। तो मैंने आपको बताया वर्क डन इज अ स्केलर, तो स्केलर के साथ काम करेंगे, ठीक, सोचने वाली बात है क्योंकि एनर्जी के साथ एसोसिएटेड है ना, एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक। इस क्वेश्चन को प्लीज शुरू ट्राई करें। गार्डनर पुशेज अ लॉन रोलर थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है, ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 20 केजी वेट, तो फोर्स कितना है 20 केजी वेट, 20 केजी वेट का मतलब 20 को 9.8 से मल्टीप्लाई कर लो तो किस में फोर्स आ जाएगी, न्यूटन में, ये रूल है, ठीक है, तो केजी वेट है, ये रूल है, 9.8 जी से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर न्यूटन में आ जाता है, ये फिजिक्स का रूल है। और ऐसे ही अगर मान लो कल को फोर्स गिवन है 20 ग्राम फोर्स GF, तो आप इसे अगर 20 को 980 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, ये रूल है, ग्राम फोर्स को 980 से डाइंस में आएगा, और केजी फोर्स, केजी वेट को, या केजी एफ भी होता है, ऐसा भी हो सकता है 20 केजी एफ, केजी एफ का मतलब केजी फोर्स, 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन में, तो क्लियर है यहाँ तक, तो ये आपको न्यूटन के अंदर आपने कन्वर्ट कर लिया फोर्स को, ठीक, न्यूटन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आपको क्या गिवन है, इसमें आपको एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 मीटर गिवन है, और इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री गिवन है, तो वर्क डन निकालना है, वर्क डन क्या होगा, एफ एस कॉस ऑफ 60, कर लोगे सॉल्व, आंसर, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, एफ पता है, एस पता है, एंगल पता है, एफ एस कॉस थीटा, आंसर। पुल में लगती है, अच्छा चल, पुश है, पुश क्या बोलता है, इधर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, इधर, तो एंगल इधर और इधर में 60, क्या प्रॉब्लम है, ये देख, ये देख, ये आपका, ये ऐसे कह रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे कह रहे हो तो एफ और एस में एंगल क्या है, थीटा, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, ये एफ वेक्टर है, ये एस वेक्टर है, एंगल 60 है, अब बोल और नीचे ले जाओ, और क्या कर सकते हैं यार, ऐसे कर ले, ठीक है,
नेक्स्ट है, इस क्वेश्चन को करो प्लीज। कितने लोग आंसर आ गया? तो साइक्लिस्ट क्या कह रहा है, कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप्स इन 10 मीटर, तो स्किड कर रहा है, तो 10 मीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट है, 10 मीटर। द फोर्स ऑन साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन, ये कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन, सड़क क्या लगाएगी? फ्रिक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में 200 न्यूटन है। आगे, एंड डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन, अब वो स्किड करता हुआ कहां जा रहा है? बॉडी स्किड करती हुई आगे जा रही है, फ्रिक्शन काट कर रही है पीछे, तो एंगल इनके बीच में, तो वर्क डन की वैल्यू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस 180 क्या होता है? माइनस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हमेशा नेगेटिव वर्क डन करता है, मैंने बता ही दिया। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस क्वेश्चन में 200 गिवन है और डिस्प्लेसमेंट इसमें 10 गिवन है, तो आंसर -2000 जूल आ गया। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है, फ्रिक्शन इधर है, तो एंगल बिटवीन देम इज 180, ठीक। अदरवाइज ये हर बार 180 लगाने की जरूरत नहीं है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव है, सीधा माइनस एफ इनटू एस कर लिया करो। है, हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड? भाई जीरो क्यों? आपको लगता नहीं एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट? भी अगर सड़क ने फोर्स लग, अगर सड़क ने वर्क डन किया -2000, तो साइकिल वाले को 2000 करना चाहिए था? आपको ऐसा फील नहीं फील आ रहा? क्यों? क्योंकि एक्शन रिएक्शन फोर्सेज होती हैं, वर्क डन थोड़े ना होते हैं, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्स, फोर्स एक्शन रिएक्शन वर्क डन नहीं होते। तो साइकिल वाले ने क्या वर्क डन करना? क्या वो धरती को हिला के डिस्प्लेस कर देगा साइकिल गिरेगी तो?
वो उसको ग्राउंड को फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो वर्क डन इज जीरो, वो कुछ नहीं कर सकती, समझा? फोर्स लगा सकती है साइकिल वाला, अगर साइकिल वाले पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 200 न्यूटन है तो साइकिल ने ग्राउंड पे 200 न्यूटन फ्रिक्शन जरूर लगाई होगी पर अर्थ मूव नहीं हुई, तो वर्क डन जीरो। समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट ये नहीं अभी करेंगे, ये करेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।